गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं सुबह उठा, ऑनलाइन क्लासेस किया मेरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो अभी मैं सोच रहा हूँ नहा लूँ और फिर डायरेक्ट लंच करूँ। यहाँ पे मैं नहा चुका हूँ और अभी लंच करता हूँ। लंच करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पुराने ज़माने का इंस्टाग्राम। तो अभी मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ हम सब के बचपन के इंस्टाग्राम में, जहाँ पे मेरे बहुत सारे पुराने यादें हैं। तो वो पुराने पिक्स चीख चीख के चिल्ला रही है कि ले चल हमें पुरानी यादों में। तो आओ चलो, उससे पहले मैं ये सब थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में आसानी हो और आप लोगों को समझने में भी बहुत आसानी हो। ये है हम लोगों का पुराना इंस्टाग्राम, एक फोटो एल्बम जहाँ पे पुरानी यादें भरी पड़ी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरे लाइफ के पिक नंबर 1 से पिक नंबर 18 तक का जर्नी कैसा रहा। तो आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं मेरे बचपन से अब तक का सफ़र सुपर फास्ट स्पीड में भगाऊंगा अगले 5 मिनट में, और आप लोगों को मज़ा भी बहुत आने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये है पिक नंबर 1। इस मासूम बच्चे को देखिए, कहीं से लगता है ये मैं हूँ, बट लकीली ये मैं ही हूँ। इस उम्र में कोई टेंशन नहीं, कोई मोह माया नहीं, बस मम्मी पापा को परेशान करते रहो, खाना खाते रहो, पूरे दिन सोते रहो, पूरी रात मम्मी पापा को सोने मत दो, और मज़े वाली लाइफ। कोई गोल्स नहीं, कुछ नहीं, बस मस्ती करो। इस बच्चे को देखिए, टशन देख रहे हो, मतलब वो बोलते हैं ना आग लगी बस्ती में, हम तो हमारे मस्ती में। ये वो बच्चा है। दुनिया को बोलने तो जो बोलना है, हम तो भाई टशन में रहेंगे। इस बच्चे को देखिए, तेल वेल लगा के मस्त मांग बना के पूरा तैयार होके फोटोशूट करवाने आया है, देख रहे हो। मतलब ये भी एक फेस था, याद आता है तो खुद की पिक देख के ही हंसी आती है, बट लकीली है मैं ही हूं। अभी आप लोग, मैं, हम सब लोग कहीं जाने से पहले तैयार होके घर पे फोटो खिंचवाते हैं ना। मैं वो था जो स्कूल में जाने से पहले भी पहले पापा को बोलता था कि पहले मेरी फ़ोटो खींचो, मैं अभी नहा धो के स्कूल के कपड़े पहन के निकला हूँ, पहले मेरी फ़ोटो खींचो, उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगा। ये पिक है एक पार्क की जो मैं हफ्ते में 3-4 दिन जाया करता था, मेरे पापा लेके जाया करते थे, एंड फुल तैयार होके मैं जाता था। मतलब उस टाइम पे भी देख रहे हो, शर्ट एकदम फॉर्मल, पैंट भी एकदम सब कुछ तैयार होके जाता था मैं। ये पिक आई थिंक मैंने नवरात्रि या दिवाली के टाइम पे खिंचाई होगी। तो मेरे हाथ में बंदूक है, मतलब मैं फ़ोटोशूट करवाने गया था उस टाइम पे, ये स्टूडियो पे फ़ोटोशूट एंड ऑल बहुत ज़्यादा चलता था, तो मैंने हाथ में बंदूक रखी थी। मैंने बोला भाई फ़ोटो तो ऐसे ही खींचो, अदरवाइज मैं अभी जा रहा हूँ जंग पे। ये पिक है मेरे सेकेंड साइकिल के साथ। एक्चुअली तब ऐसा था, इनफैक्ट तब नहीं, अभी भी ऐसा ही है कि मैं कुछ भी नया चीज़ खरीदता हूँ तो उसको मैं साथ में लेके सोता हूँ। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ये नया साइकिल खरीदा था, मैंने उस रात इस साइकिल को मैं मेरे बेडरूम में रख के सोया था ताकि सुबह उठ के मैं देख पाऊँ। फोटोज़ खिंचवाने का भाई साहब बचपन से अलग ही चस्का था, बट ये पिक देख के जो लग रहा है ना, ऐसा पिक मैं आज के दिन पे भी नहीं खिंचवा सकता। उस ज़माने में मैं ये स्टाइल मारता था, मतलब फुल लेदर जैकेट कैप, मतलब पोज देख रहे हो, कपड़ों के ब्रांड्स के प्रमोशन करवा सकता था मैं उस एज में। ये वो फेस है जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, एंड बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने के कुछ दिनों में ही हर किसी को लगता है कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया हूँ, एंड मैं अब मैं फ़ोटोशूट करवाऊँगा, फ़ोटो खिंचवाऊँगा। तो ये वो है जब मेरी थोड़ी सी बॉडी बनी थी एंड मैंने जिम में फ़ोटो खींची थी। ये पिक है मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ, हालांकि ये पिक मैंने कॉलेज में आने के बाद खिंचवाई थी, बट ये सब लोग हैं मेरे स्कूल के दोस्त। बॉडी तब भी बहुत अच्छी थी, देख रहे हो आप लोग। इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने के बाद मेरी ये वाली पोज फेवरेट हो गई, दी मोस्ट फेवरेट हो गई थी। मैं हर पिक में यही पोज मारता था, यही पोज हर पिक में। मेरे सारे दोस्त कंटाल गए थे कि भाई तू ये पोज मत मारा कर, हर पिक में तेरी यही पोज होती है,
बट मेरी इसी पिक में इसी पोज में ट्राइसेप बाइसेप ज़्यादा अच्छे से दिखती थी, तो मैं हमेशा यही पोज मारा करता था। एंड बॉडी बिल्डिंग में आने के बाद इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, एंड एज वेल एज ये जो लास्ट में आपने जो पिक दो पिक्स देखी थी, इसके पहले जो दो पिक्स देखी थी वो भी इन्होंने खींची थी, इनकी फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। ये है मेरे कॉलेज के दोस्त, कुछ ऐसी मेमोरीज जिनको मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगा। हालांकि इन लोगों से इतनी बातचीत नहीं होती रेगुलरली या कभी भी, ऑलमोस्ट इतनी बात अभी नहीं हो रही है, बट कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप कभी भी भूलना ना चाहो, और ये उनमें से एक है। इस पिक में हम सब लोग इंटीरियर डिजाइनर हैं, जहां लोग रहते हैं उसको डिजाइन हम लोग करते हैं। वी डिजाइन वेर यू लीव। और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी फिजीक बनने के बाद हरिद्वार में जाके मैंने मेरे पापा के साथ पोज दी थी। हालांकि यहाँ पे भी मेरे पापा के बाइसेप भी ज़्यादा बड़े निकले, बाप तो बाप होता है, क्या करें। उसके बाद धीरे धीरे मुझे चढ़ा ब्लॉगिंग का भूत, नशा, क्रेज, एंड मैं हर जगह कैमरे के साथ जाया करता था। इनफैक्ट अभी भी जाता हूँ एंड हमेशा जाया करूँगा, सब कुछ रिकॉर्ड करूँगा उसी कैमरे में, थोड़ा थोड़ा बोलते 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 अभी जो भी आप देख रहे हो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उसी कैमरे में बोलते बोलते अभी आया है एंड मैं बोल रहा हूँ। एंड ये पिक जब थोड़ा बहुत पैसा आ गया था, एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना हार्ड वर्क करते जाओ, खुद को इम्प्रूव करते जाओ एंड बी कंसिस्टेंट। किसी की बाप की औकात नहीं तुम्हें तुम्हारे गोल्स को पाने से रोकने की। एंड कुछ बात कहना चाहूँगा, जब भी तुम्हें कोई बोले ना, जब भी तुम्हें XYZ पर्सन कुछ भी बोले कि तुम ये अचीव नहीं कर पाओगे, उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन मत दो, बस एक स्माइल दो और निकल जाओ। क्योंकि जब तुम वो गोल अचीव कर जाओगे ना, तब उनको उनका रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए फालतू का आर्ग्यूमेंट लोगों से कभी मत करो कि क्यों नहीं कर पाएंगे ये वो, लोग बोलते रहेंगे, डीमोटिवेट नहीं हो कभी भी। खुद के गोल्स बनाओ एंड अचीव करो उसको, जी जान लगा दो, हार्ड वर्क करो। दूसरे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें औकात नहीं होती इतनी हार्ड वर्क करने की। तुम हार्ड वर्क करो एंड फोड़ दो। एंड ये पिक कुछ गोल्स अचीव होने के बाद मैंने खिंचवाई है। ऐसे ही काफ़ी सारे गोल्स कंप्लीट होने के बाद मैं खिंचवाता रहूँगा, आप लोगों को दिखाते रहूँगा। आप लोग देखते रहना, सपने देखो, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो एंड अपने गोल्स को कंप्लीट करो। जब भी तुम्हें तुम्हारे गोल्स को पाने से पहले कोई तुम्हें नेगेटिव करे, नेगेटिविटी बोले, उसको बोलो चल पहली फुर्सत में निकल, मैं तो मेरे गोल्स कंप्लीट करके रहूँगा या रहूँगी। नेगेटिविटी कोई भी बोले, दोस्त, फैमिली वाले, रिलेटिव वाले, कोई भी बोले, मत सुना करो, कुछ भी मत बोला करो। बस तुम अपना हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, इम्प्रूवमेंट लाते रहो खुद के अंदर, गोल्स तुम्हारे झक मार के कंप्लीट होगा। एंड उसी गोल को कंप्लीट करने के बाद जब पिक खिंचाते हो ना उसके साथ, कोई कहीं भी जाके या किसी चीज़ के साथ, तब जो प्राउड फील होता है वो भाई छत फाड़ के निकलता है, तब उनके पास कुछ नहीं होता बोलने के लिए। वो बस तुम्हें इसीलिए बोलते क्योंकि वो लोग एज्यूम कर लेते कि वो नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे, बट हम तो कर लेंगे भाई, हम गोल्स देखेंगे एंड उस गोल पे जी जान लगा के हार्डवर्क करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म कर दें। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट हुए होंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में बताओ कि कौन सा पिक अच्छा लगा एंड मेरी कौन सी बात अच्छी लगी आप लोगों को। विद दैट सेट, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।